हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं आपको मेरी छोटी सी बगिया में घुमाने लाया हूँ और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि चेरी क्या होती है। लोग अक्सर पान में खूब मजे से खाते हैं, लोगों को कहते हैं एक नहीं दो डाल दो, पर आपको रियल में ये बता दो कि वो रियल चेरी नहीं है, वो मतलब करौंदा है। और करौंदे को मात्र शक्कर की चाशनी में डाल के लोगों को खिलाया जा रहा है और आदमी खुशी खुशी खा रहा है। आपको बताता हूँ, मेरे छोटे से प्लाट में एक चेरी का पेड़ लगा हुआ है और उसमें अब चेरी लगना भी प्रारंभ हो गई है। और आपको मैं अभी दिखा दूं कि जैसे कि ये मुझे दत्ता नाइक जी ने गोवा से काजू के और कटहल के पौधे भेजे, बीज भेजे थे, तो मैंने इनको उगा लिए हैं। और ये पीला पलास है, चूँकि दुर्लभ वेराइटियाँ हैं मेरे पास और ये सारे पौधे निःशुल्क हैं। अगर समय रहते अगर आप आ जाते हो तो आपको ये पौधे यहाँ पर निःशुल्क मिल जाएंगे। आपको ये दिखाता हूँ, ये सफ़ेद पलास है, ये गोवा से भेजे हुए कटहल के उन्होंने बीज भेजे थे, तो कटहल और काजू के भी बीज भेजे थे, तो ये सारे मैंने यहाँ पर उगा लिए हैं। अभी आपको मैं आगे दिखाता हूँ। आपने सफ़ेद पलास का नाम कभी सुना होगा, पर मैं आपको बताता हूँ सफ़ेद पलास का पौधा कैसे होता है। ये रहा एक सफ़ेद पलास का पौधा, इसमें जब बड़ा हो जाएगा, जैसे 8 से 10 साल लगेंगे परिपक्व होने के बाद, ये आपको एकदम सफ़ेद फूल देगा। और ये भी एक दुर्लभ वेराइटी का पलास है। और यहाँ पर कुछ बेलपत्र के भी पौधे रखे हैं, अगर आपको बेलपत्र के पौधे भी चाहिए तो ये भी सारे निःशुल्क मिल जाएंगे आपको। अगले साल में जैसे कि दिखा दूँ कि ये पीली हल्दी है, ये पीली हल्दी के बाद आपको मिलेगी ये काली हल्दी, इसके बीज भी आपको मैं मतलब कंधे निःशुल्क प्रोवाइड करवा दूँगा। आप आइए मेरे पास और आपको मैं दिखाता हूँ चेरी का पौधा। ये देखिए चेरी ऐसी होती है, चेरी अधिकतर लोगों को पान में खिलाई जाती है, पर वो ओरिजिनल चेरी नहीं होती है, करौंदे को ही चेरी बोल के लोगों को खिलाया जाता है। ये देखिए मेरे यहाँ लगी हुई है और इस तरह से चेरी होती है। आप देखिए कितना सा छोटा पौधा होने के बावजूद भी इसमें चेरी बड़े कुछ मिसाज तरीके से लगी हुई है। और ये देखिए तोड़ के बताता हूँ, ये है चेरी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल प्लांटेशन गुरु को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।